नमस्कार, कल्चर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बहुत ही स्वादिष्ट एक नाश्ता बनाना बताऊंगी। इसे हम बनाएंगे बचे हुए बासी चावल से। अक्सर ही हमारे घर में सुबह के चावल बच जाते हैं या रात में बच जाते हैं, आप उसे रीयूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे कुछ टेस्टी नाश्ता बन जाए तो सभी को बहुत पसंद आता है। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से ये टेस्टी से बड़े, जिसे आप चाय के साथ स्नैक्स की तरह सर्व कर सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये बड़े बनाने के लिए हमने एक कप चावल ले लिया है। रात के हमारे बचे हुए चावल हैं, उसे ही हम यूज कर रहे हैं। तो उसके साथ ही हमने ये आधा कप सूजी ले ली है, आधा ही कप हमने ये दही ले लिया है, और उसके साथ ही हमने ये मसालों में हमने बस आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ली है, हमारा स्वाद अनुसार नमक है, एक चौथाई चम्मच हमने ये बेकिंग सोडा ले लिया है, एक बड़े साइज का प्याज हमने बारीक काट के ले लिया है, थोड़ी सी दो चम्मच हमने हरी धनिया ली है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा हमने कद्दूकस करके ले लिया है, दो तीन हरी मिर्ची ली है हमने, और ये चार पांच करी पत्ते हमने ले लिए हैं। तो चलिए फटाफट हम इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चावल को मिक्सी में डाल के पीस लेना है। तो चावल को हम मिक्सी में डाल देते हैं, उसके साथ ही दो बड़े चम्मच से हम इसमें पानी डाल देते हैं। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस इसको हम पीस लेंगे एक बार मिक्सी में चला के। ये देखिए एकदम अच्छा सा इसका हमने पेस्ट बना लिया है। इसे बड़े बर्तन में हमने निकाल लिया है। इसमें हम ये सारी चीजें मिला देते हैं, सूजी मिला देते हैं, दही मिला देते हैं। एक बार अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अभी हम सारी चीजें, प्याज, धनिया और हरी मिर्च, सब चीज हम इसमें मिला देते हैं। करी पत्ते को छोड़ा छोटा छोटा करके मिला देते हैं। आप चाहे तो काट लें या हाथ से इस तरह से तोड़ के भी मिला सकते हैं। सारी चीजें हम इसमें मिक्स कर देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें नमक और काली मिर्च भी मिला देते हैं। अच्छे से हम इसे एक बार मिक्स करेंगे। हमारा मिश्रण एकदम जैसे कि हम बड़े दाल के बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही, उतना ही गाढ़ा होना चाहिए। हमें इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है। जितना हमने पीसने में चावल को पानी मिलाया था, बस उतना ही पानी इसमें ये पर्याप्त है। तो अब हम इसमें ये बेकिंग सोडा मिला देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें एक चम्मच पानी मिलाएंगे, एक छोटा चम्मच पानी बस हमने इसमें मिलाया है, जिससे कि बेकिंग सोडा घुल जाए। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से हम। ये देखिए मिश्रण तैयार हो गया। इसे हम ढक के 5-10 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ दिया था। अब हम इसे बड़े बना लेते। तेल हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, और इस तरह से हाथ पे पानी लगा के हम इस तरह से बड़े बना के गोल छेद आप चाहें तो करके बना लें, या गोल गोल ऐसे ही बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया, तेल में हम ये बड़े डाल देते हैं इस तरह से। एक तरफ से सिक जाएगा तो पलट के हम दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी और हल्का ब्राउन होने तक सेके से निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी ये बड़े बनते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए सारे बड़े हमने सेक के तैयार कर लिए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट। ये देखिए बड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ, जिससे भी आपको पसंद हो, उसके साथ सर्व करें। सभी को ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ये बड़े एक बार बना के जरूर ट्राई करिए। सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। थैंक यू।